भैया अपन जैसा कि इस वीडियो में आप डॉग्स वगैरह भी रखते हैं तो डॉग्स की बात कर रहे हैं है ना, तो अपने पास में सबसे पहले ये बताओ भैया किस किस तरीके के डॉग्स मिल जाते हैं? भैया सारी तरह की ब्रीड के बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा है ना, कोई भी ब्रीड चाहिए मिल जाएगा। ये अपनी होम ब्रीड का पपी है, होम ब्रीड का, बिल्कुल ये अपने घर का होम ब्रीड का बच्चा है। ओके है ना, ये अपने अभी मैंने ये रिटर्न किया है, मेल में है ना, मेल है, इसको रिटर्न किया मैंने अभी स्टडी के लिए मेरे। ओके है ना, यानी कि चालू कर दिया है? बिल्कुल नहीं, अभी बच्चा है ये, अभी 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने का? बिल्कुल सर, 3 महीने का, बहुत अच्छी क्वालिटी का पपी है। इसे मैंने अभी रिटर्न किया अपने घर में होम ब्रीडिंग के लिए। अच्छा है ना, इसका फादर डायरेक्ट इंपोर्ट है। इंपोर्ट है बिल्कुल, 14 लाख रुपए का इसका फादर है। 14 लाख रुपए मैटिंग करवा के लाया था इसका फादर की। अच्छा। मेरा फीमेल है, इसकी मदर मेरे पास ही है, ये मैं मैटिंग करवा के वहाँ से लेके आया। जैसे आप ये बच्चा ही लेके आए थे क्या? हाँ नहीं, ये अपने घर पे बच्चा, अपनी होम ब्रीडिंग, यानी इसकी मदर है जो मेरे पास में, लीटर मेरे पास ही हुआ था। अच्छा, आप यानी कि बाहर से क्रॉस करा के लाए? हाँ, मैं बाहर से क्रॉस करा के लाया था। एक ही बच्चा हुआ था क्या उसके? नहीं, इसके 6 बच्चे हुए थे। 6 बच्चे हुए थे बिल्कुल, मैंने बाहर बॉम्बे भेज दिए। बॉम्बे? बिल्कुल, यानी कि 6 तो पाल नहीं सकते इसलिए। ना, स्टड के लिए मैंने रख लिया मैंने। तो जैसे जो फीमेल होती है वो कितने टाइम में बच्चे वगैरह देती है? 60 से लेके 65 दिन के दरमियान बच्चे दे देती है। 60 से 65 दिन में? बिल्कुल, मेटिंग कराने के बाद में। मेटिंग कराने के बाद में, उसके बाद में इसका सेम लीटर के बच्चे भी मेरे पास हो रखे हैं। अच्छा, अगर कोई भाई लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो इस ब्रीड का क्या नाम है? लैब्राडोर है ये। लैब्राडोर क्वालिटी का लैब्राडोर है। बिल्कुल, देखो 3 महीने में कितना हैवी हो रहा है। लैब्राडोर की चैन भी तो बहुत हैवी है। तो सो वगैरह में जब लेके जाते हो? बिल्कुल, तो सब सेट करके ले जाना पड़ता है। बिल्कुल, वो डॉग ही उसी जैसे सो के अंदर तैयार रखा हो तो डॉग वैसे तैयार होता है। तैयार होता है ना, उनको चलना, जैसे घोड़ों का स्वाब करवाते हो, घोड़ा कैसे खड़ा है, चल रहा है, चल रहा है, सेम सिस्टम डॉग शो में भी ऐसे सेम सिस्टम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट में भी डॉग शो करवाऊंगा जब आपको मैं, बिल्कुल आपको मैं शूट के लिए उनको बुलवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लीटर भी हो रखा है। अच्छा है ना, सेम लीटर, अगर इसकी पपी चाहिए तो ऐसे लीटर का। तो जैसे इनके भी कुछ कागज वगैरह मैंने सुना है मिलते हैं? हाँ, इनके केसी है, और अब जैसे यूकेसी है, यूनाइटेड केनल क्लब है, केसी रखते हैं, तो ये सब कुछ होता रहता है। होता रहता है बिल्कुल। कुछ नाम रख रखा है इसका भी? इसका नाम मैंने राजा रखा है। राजा? हाँ राजा, ये मेरा राजा है। आपका प्यारा राजा है। और अभी अपने पास में कौन कौन से? जरा अभी फिलहाल क्या है, लॉकडाउन की वजह से बाकी मेरे पास 30 से 40 बच्चे एनी टाइम मिल जाते हैं। अच्छा, एनी टाइम रखता हूँ। लॉकडाउन में तो खाली करना भी जरूरी है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन में तो आप इतने को पाल भी नहीं सकते। नहीं सकता ना। ओ राजा, बहुत हैवी क्वालिटी का पपी है, बहुत अच्छा है। अभी 1 साल बाद में कोई स्टडी के लिए इसको पूरा हो जाएगा। वैसे इनकी जो ब्रीडिंग की उम्र होती है, चालू करवाते हो आप, तो क्या उम्र रहती है? अब मैटिंग वाली चालू करो, 18 महीने का जब पपी हो जाए। 18 महीने जब भी आप मैटिंग करो वो ज्यादा बेटर है। अच्छा है ना, 18 महीने एक्चुअल जो एज होती है 18 महीने की, जो बच्चा पूरा ग्रो हो जाता है। और जो फीमेल की एज होती है वो भी 18 महीने, 16-18 महीने आप बैटिंग करो, उससे पहले करवाना गलत चीज है। गलत चीज है, क्यों? वो परेशान होती है, अपन तो अपने लालच के लिए, पैसों के लिए कर लेते हैं। काफी लोग करवा देते हैं 10-10, 12-12 महीने की फीमेल होती है, बेचारों की मैट करवा के उनसे पपी ले लेते हैं। अच्छा, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। गलत बात, जब वो मैच्योर नहीं होती है बेचारों को, जबरदस्ती वाली बात होती है, वो कभी नहीं। फीमेल को कम मैट कराना चाहिए? कितनी? कम से कम 18 महीने, 18 से 20 महीने। और जो ब्रीडिंग के लिए भी स्टार्ट करो तो 18 महीने? बिल्कुल, 18 महीने से 20 महीने तक आप फीमेल को मैट करो, क्योंकि वो पूरी ग्रो हो जाती है, पूरी मैच्योर हो जाती है। और कौन से बच्चे हैं अभी फिलहाल में? जर्मन शेपर्ड है। वैसे लोग जर्मन शेपर्ड को ज्यादा पसंद करते हैं? अभी फिलहाल लैब्राडोर का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। अच्छा, लैब्राडोर का सबको अलग अलग शौक रहा है। ये जर्मन शेपर्ड की 3 है अभी मेरे पास में। बाकी तो क्या, अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा, आपको बताइए, पूरा जोधपुर बंद है, सब कोरोना की वजह से। इंडिया बंद है, जोधपुर छोड़ो, तो पूरा इंडिया में। तो मेल फीमेल है? ये फीमेल है, जर्मन शेपर्ड फीमेल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वालिटी की फीमेल है। ये भी अपने पास जो पपी मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का। इसमें भी सिंगल कोट डबल कोट ऐसे आता है क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये सिंगल कोट डबल कोट का मतलब क्या होता है? ये बालों का फर्क होता है। अभी देखो इसमें, ये डबल कोट की फीमेल, इसके फुल फुल बाल है देखो। अच्छा, बिल्कुल, यानी बड़े बाल है। बिल्कुल बड़े बाल है देखो। तो ये डबल कोट की फीमेल है, सिंगल में बाल कम आते हैं ना। तो क्या प्राइस है अभी इसका? ये फीमेल 7,000 रुपए की। 7,000? बिल्कुल बिल्कुल सर, फीमेल 7,000 रुपए की। 7,000? 45 डे की वैक्सीन लग गया इसके। जब 45 डे? बिल्कुल सर, 45 डे से तो कम मैं बच्चा सेल भी नहीं कर पाऊंगा। और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मदर मिल्क मिलता नहीं इनको, तो फिर कोई बात है। और दिखाओ और कौन? अभी फिर उसके बाद अभी मेरे पास में सिर्फ यही है। अच्छा, तो
पबीज के अंदर। अच्छा, बाकी एनी टाइम 30-35 बच्चे लॉकडाउन के बाद। वैसे आपके पास कोई सा भी डॉग्स मिल जाएगा मैं मंगवा के दे दूंगा। अभी भी चाहिए तो मैं मंगवा के दे सकता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के मैं भी ला के दे सकता हूँ। अगर किसी भाई बंधु को चाहिए तो मेरे को बोल सकता। बाकी मेरे पास कैट्स भी है, बिल्ली बिल्कुल पर्शियन कैट्स है मेरे पास में। वो पर्शियन कैट निकालो, पर्शियन कैट भी है, एनी टाइम मिलते हैं। ये शानदार बिल्ली है, बिल्कुल ये पर्शियन कैट है। ये बहुत बहुत फ्रेंडली होती है, और अभी डॉग से ज्यादा ये पर्शियन कैट चल रही है। अच्छा, इनको घुमाने की टेंशन नहीं, घूम लेती अपने आप बिल्कुल। ये पॉटी भी घर में करती नहीं है, इनका कैट लीटर के अंदर पॉटी करती है, और बहुत अच्छा पैट है। अभी सबसे ज्यादा चलने वाले पैट ये कैट नहीं, जैसे अपन इस बिल्ली को घर में रखे तो अपने आप घूमती रहेगी। हाँ, कहीं नहीं जाएगी, देखो अगर होती तो वो चली जाती है। काटे पीटने का डर नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, इतनी होती है, अच्छी होती है। इसमें कलर मेरे पास सारे कलर मिल जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से कलर आते हैं इसमें? वैसे इसमें व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, मिक्स कलर, मल्टी कलर, खूब कलर आते हैं इसमें। अच्छा, अभी चलती ही पर्शियन कैट ही है। तो ये मेल फीमेल है? ये मेल फीमेल है। तो क्या है इनका जोड़ा? ये 16,000 रुपए का मैं आपको पेयर दे दूंगा अगर। 16,000 बिल्कुल। बच्चे चाहिए तो बच्चे भी मिल जाएंगे मेरे पास। लॉकडाउन की कीमत है यानी कि बिल्कुल। अभी किसी को बच्चे चाहिए तो बच्चे भी मिल जाएंगे मेरे पास। हाँ, वैसे क्या उम्र है इनकी? ये फीमेल हो गई अभी 7-8 महीने की। अच्छा, और मेल है ये 9 महीने का। 9 महीने। हाँ, अच्छा है ना? बिल्कुल। एक मेरा जो खास बिल्ला है, जिसका नाम मैंने ब्लू रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मेरा पुराना बिल्ला है, 5-6 साल पुराना मेरा बिल्ला है। बिल्ला क्या? मेल 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 बिल्ला। अच्छा, बिल्ली को आप बिल्ला? बिल्ला बिल्ली, बिल्ला बिल्ली। बड़ा हो गया तो माता, बड़ा हो गया तो बिल्ला हो गया। अब मेरा थोड़ा पुराना है। क्या उम्र होगी इसकी? ये 5 साल का हो गया है। 5 साल का बिल्ला मेरे पास में रहता है ये। ओ, ये पंच फेस का बिल्ला है, पूरा पंच है, और अपने बच्चे की तरह रहता है ये। ये फॉर सेल नहीं है। बिल्कुल सर। नहीं, मेरे को आपकी एक चीज और अच्छी लगी। जैसे कि बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूँ ऐसे पेट शॉप पे, जैसे देखने के हिसाब से कभी गया हूँ, तो वहाँ गंदगी बहुत रहती है, बदबू आ रही होती है। तो वो चीज आपके यहाँ पे नहीं है कि साफ सफाई का। मेरे को लगता है आपने मोदी जी की तरह स्वच्छता अभियान का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। बिल्कुल, सफाई तो देखो, जानवरों को आप सफाई पे रखोगे तो जानवरों को भी बीमार नहीं होता है। बीमार है ना? अब आपने उसको ले लिया, आपने शॉप खोल लिया, आपने सफाई नहीं करी, कस्टमर आए वो देखे कोई मुंह ढके, वो परेशान हुए, जानवर बीमार हो जाता है, टाइम पे पानी नहीं रखा। तो सबसे बड़ी बात है कि पेट शॉप आप रखो, जानवर को जहाँ भी रखो, चाहे पेट शॉप रखो चाहे कैनल पे रखो, लेकिन जानवर को साफ रखो। साफ रखो, बिल्कुल साफ रखो उनको। साफ मेरे को लगा ना कि आपके यहाँ पे जितने भी जानवर है सब साफ सुथरे, कोई गंदा नहीं। उनको साफ रखो, उनको जगह भी साफ सुथरी है। अभी स्मेल नहीं आनी चाहिए, इन्फेक्शन होता ना, बीमार हो जाते हैं बच्चे सारे। आपने तो धूप पत्ती जला रखी, बीमार कहाँ से हो जाएंगे? अरे खुशबू के लिए लगा रखी है, बस यही है। और सबसे बड़ा मेरा श्रेय जाता है मेरे स्टाफ को। स्टाफ को बिल्कुल, मैं आपको सभी से मिलाता हूँ अभी। बिल्कुल, बुलाओ एक बार। बिल्कुल आओ रोशन, क्योंकि देखो ऐसे बोलते ना, आपके बिजनेस को चार चार लगाने में स्टाफ का। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो भी करते हैं ये मेरे बच्चे करते हैं, चारों मिलके। 2 भी स्टाफ छुट्टी पे हैं, थोड़ा दूर रहते हैं तो आने जाने में दिक्कत है, बाकी भी 4 स्टाफ मेरे, चारों मेरे बच्चे हैं, यही जो करते हैं सब कुछ यही करते हैं। अच्छा, अरुण रोशन अंदर आओ। जोधपुर के ही है ये ना? बिल्कुल, ये सब जोधपुर के हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं सबके सब। अच्छा अच्छा, अब इनको स्टाफ नहीं बोल सकते हैं। अंजलि पेट शॉप का सारा श्रेय इनको जाता है, भाई है। आओ जरा, अंजलि पेट शॉप का सारा श्रेय इनको जाता है। क्या नाम है अपना? सन्नी। सन्नी आपका? रोशन का। रोशन कान आपका? मोहन इरफान आपका? मेरा तरुण। तो आपको भी जैसे कि इनके तो भाई 100 के थोड़े निराले हैं, आपको भी डर लगता है क्या कभी इनसे? नहीं, शुरू में आए थे जब तो लगता होगा। नहीं, शुरू में भी नहीं लगता था। इनको बहुत ज्यादा शौक है, मेरे से भी ज्यादा इनको शौक है, दिन भर इनकी सेवा करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, दिन भर इनकी सेवा करेंगे, साफ सफाई करना, खाना पीना खिलाना। मेरे को कुछ बोलने का रहता ही नहीं कि मैं इनको कुछ बोलूं, सब कुछ यही करते हैं। तो जैसे कभी कबार जैसे तोते वगैरह बहुत सारे हैं तो कोई बीमार हो जाता है तो कैसे पता चलता होगा? बिल्कुल सर, बीमार होती है मेरे को बोल देते हैं कि यार वो बीमार हो रखा है, तो उनका मेडिसिन वगैरह सब कुछ हम मिलकर सब करते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं सर जैसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोई आज के टाइम में डॉग्स का बिजनेस चालू करना चाह रहा है तो किस तरीके से चालू कर सकता है डॉग्स का बिजनेस? आप अच्छी ब्रीड रखो, आप डॉग बिजनेस करो, अच्छी ब्रीड रखो और उनके लिए जगह बनाओ, उनके लिए अगर गर्मी है तो उनके लिए एसी लगाओ, उनके लिए फीड का ध्यान रखो। अगर आपको करना है तो ढंग से करो, नहीं करना है तो आप उसको, अगर आप ढंग से नहीं करना है तो आप उसको बिजनेस मत करो। क्यों? उनको परेशान करके अगर आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा काम का नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं तो मेरे खुद के जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो कस्टमर हैं, अगर उनको मैं एक ही बात बताऊँ, डॉग देने से पहले एक ही बात बोलता हूँ, आप इस पर जूम करके थोड़ा पढ़ो,
लेने से पहले अच्छे से सोच लें, बच्चा इंसान का हो या डॉग का, जिम्मेदारी बराबर है, साथ भी, जिंदगी भर का और प्यार भी, निभाए तो ठीक लाएं। अच्छा, यानी कि पहले ये गारंटी रहती है। बिल्कुल, अपना मोटो ये नहीं है कि पैसा कमाना, अपना मोटो है कि उसको पेट को अच्छी फैमिली में जाना चाहिए। तो जैसे कि आप अगर बात करें जैसे डॉग्स की, तो महीने में जैसे कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे कितने क्या डॉग्स सेल कर देते हो? सर मैं ज़्यादा तो नहीं, 100 से 120 30 कुत्ते तो मैं महीने के बिल्कुल पपीज सेल हो जाते हैं। सेल हो जाते हैं बिल्कुल। और अगर पेट्स वगैरह इनकी बात करें तो चिड़िया कबूतर तोते भैया मेरे कम से कम ये तो गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं है कि मेरे पास में आते रहते जाते रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं। बाकी का अगर कोई चाहे तो आप अगर दुख शॉप खोलना चाहे तो उसके हिसाब से अलग कॉन्टेक्ट कर सकता है, और अगर कोई जोधपुर का है तो फिर तो वो आपकी शॉप पे आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो भैया एक बार अपना एड्रेस जो शॉप का है वो एक बार दोबारा से बता दें। बिल्कुल, जोधपुर में अखले चौराहे जाके चीरगढ़ सर्किल आता है, वहाँ पे मारुति नेक्सा का शोरूम बना हुआ है। ओके। मारुति सुजुकी का शोरूम बना हुआ कारों का, उसके जस्ट सामने अपोजिट में मदर डेयरी और नागौरी चाय वाला जो फेमस है, नागौरी चाय यहाँ पे चीरगढ़ की, बस उस गली के दोनों के बीच में गली जा रही है, एंटर होते ही तीन दुकान अपनी है पूरी लाइन से, अंजलि पेट शॉप के नाम से लाइफ, और वो रिटेल काउंटर जो आपने दिखाया था वो दोनों पास पास में है मेरा। पास पास बिल्कुल। तो भैया लॉकडाउन का आपके ऊपर भी कोई फर्क पड़ा है क्या? लॉकडाउन का सर फर्क तो मेरे पे कुछ भी नहीं पड़ा है, क्योंकि मेरे को ये शौक है, मैं फिर बता रहा हूँ मेरा शौक है, मेरा बिजनेस नहीं है। आपकी शॉप तो कोई बंद भी नहीं करा सकता मेरे को लगता है। सर अगर बंद नहीं कराए तो सर मैं खुद उनसे परमिशन लेके आया हूँ कि भाई मैं मेरे बच्चों को खाना तो खिलाऊं। अच्छा, आप परमिशन लेके आए हो? मैं बिल्कुल, मैं परमिशन लाया हूँ, मैं अंदर रहूंगा लेकिन इनको खाना खिलाऊंगा, इनको अंदर ही रहूंगा, मैं इनको छोड़ के किसी घर से नहीं जा सकता। नहीं जा सकते बिल्कुल। मैं उसको तो जैसे कि उन्होंने परमिशन देने में नाटक कराया है, कुछ नहीं करा सर, ये हमारे उन्होंने बोला जानवरों के लिए कौन मना करेगा सर, तो पता है कि इनकी पेट है, जानवर भूखे रह जाएंगे कर जाएंगे, तो कौन मना करेगा, कौन मना करेगा। पुलिस भी, पुलिस इतने अपने लिए कर रही है तो उनको भी बताना कि वो पेट है बेचारे भूखे हैं, और लोग तो यार सड़कों पे जानवर भी खिला रहे हैं और आप तो अपने यहाँ पे खिला रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। ओके, थैंक यू अविनाश जी, आपसे मिलकर बड़ा मजा आया, और आपके जो शौक हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी आपके शौक से बहुत इंजॉय करें। बिल्कुल। ओके, और मैं एक सब व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूँगा, इंडियन डिस्कवरी 92 को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्रदीप भैया का हमेशा प्यार सब पे बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके।